तो ये देखिए हमारा चिकन देगी चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह देखने भी इतना अच्छा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े दिनों बाद अपनी रेसिपी लाए हैं रमज़ान स्पेशल। आज हम देगी चिकन चंगेजी बनाएंगे। हमने ये देग ली है और हम अपनी देग में चिकन चंगेजी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 1 किलो से कुछ ज़्यादा चिकन है ये लिया है और 4 बड़ी प्याज लिए है और ये 3 बड़ी शिमला मिर्च है और ये हमने 1 कटोरी दही ली है, ये अंदाजन 3 चम्मच दही होगी और ये 2 चम्मच हमने पिसा धनिया लिया है और ये हमारे जो है गोले का बरुदे नारियल का चूरा 2 चम्मच और ये 2 चम्मच के करीब काजू है, गिनती में ही 14-15 काजू होंगे और ये 2 चम्मच से कुछ ही कम लाल मिर्च है हमारी और ये थोड़ा सा फूड कलर है जो हमें इसमें चाहिएगा और ये हल्दी और चाट मसाला। अब हम अपना चिकन और ये जो है हमारा तेल गरम हो गया है, हमने इसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल के डाले थे क्योंकि इसमें थोड़ा तेल एक्स्ट्रा ही जाता है। अब हम अपनी ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने अपनी प्याज इसमें डाल दी है, अब हम इसको थोड़ी गोल्डन ब्राउन करके भून लेंगे। उसके बाद तो ये हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हम अपने चम्मच की मदद से लेंगे। और ये हमने अपनी प्याज जो है वो बाहर निकाल ली है। अब हम अपनी देग में जो तेल हमारा है प्याज का निकला हुआ, हम उसमें ये हल्दी ऐड कर देंगे और हल्दी को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमें अपना चिकन इसमें ऐड कर देना है। और ये हमने अपना चिकन ऐड करके हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे अभी और बाकी हम इसमें बाद में डालेंगे के बाद। और इसी के साथ हम अपना इसमें ये हमने फूड कलर लिया था ये थोड़ा सा इसका ऐड कर देंगे और इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है चंगेजी में। और जैसे हमारा चिकन इसमें कलर में मिक्स हो गया, अब हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, अब हम इसको इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही लाजवाब बिल्कुल बाहर जैसा चिकन चंगेजी बनता है। एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए कम आंच पर भूनने देंगे। ये हमारे चिकन को भूनते हुए 2 मिनट हो गई है और इसमें हम अपना भी वो सामान ऐड कर देंगे। जैसे हमने 3 टमाटर लिए थे ये बड़े वाले, इसके हमने प्यूरी बनाकर इसमें हमें ऐड करनी है। हम शायद आपको शुरू में बताना भूल गए कि टमाटर की प्यूरी 3 बड़े टमाटर हमने लिए थे, 1 किलो चिकन में कम से कम 3 टमाटर जाएंगे। पानी चलाएंगे और ये हमने टमाटर की प्यूरी डालकर चला देना। अब हम इसमें अपने पीसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। जैसे हमने ये लाल मिर्ची ली थी, अपनी लाल मिर्ची अभी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये जीरा और ये जो है चीज़ें काजू और ये सब हम बाद में ऐड करेंगे इसमें और ये थोड़ा चाट मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे कम से कम 2 पिंच भर के।
और इसमें हम सब सामान इसको और अच्छे से इसको भून लेंगे और हम आपको बाद में दिखाएंगे और हम इसमें कैसे कैसे डालेंगे सामान। अभी हम इसको भून लेंगे, इसको अच्छे से जो हमने इसमें सामान डाला है उसको अच्छे से भूनने देंगे। और ये हमारा जो है चिकन अच्छे से भून गया है इसमें। अब हम इसमें अपने और सामान ऐड कर लेंगे, जैसे हमने शिमला मिर्च जैसे बताई थी आपको, 3 बड़ी शिमला मिर्च ये इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने कसूरी मेथी ली है, आप इसको थोड़ा सा रफ करके ऐसे अच्छे से डाल देना और उसको मिक्स कर लें अच्छे से। हमारी शिमला मिर्च इसमें थोड़ी सी, बस हमें ज़्यादा नहीं पकानी, थोड़ी क्रंची रखनी है क्योंकि बस थोड़ी सी हमें इसको धीमी आँच पर रख कर पकानी है, कम से कम 2 मिनट के लिए। और ये हम अपने चिकन को खोल के देख लेते हैं, हमारी शिमला मिर्च कुछ हल्का तक हो चुकी है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। और जब तक हमारा चिकन बन रहा है हम अपना ये जो हमने धनिया लिया था 2 चम्मच इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने दही ली थी, ये हम दही इसमें डाल लेंगे। और ये नारियल का बरूदा चूरा जो होता है, हाँ गोले का, उसको इसमें ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे, वो हमें इसमें ऐड करना है, पेस्ट बना लेंगे। इसमें अगर आपको दही कम लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, दही ज़्यादा नहीं डालनी, बस 2 चम्मच दही इसमें, बड़े 2 चम्मच वह ऐड कर लेंगे हम। इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल लेंगे बस, कुछ ही बूंदे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये हमने जो हमारा काजू थे और प्याज हमने फ्राई की थी उनका पेस्ट बना लिया है और ये हमने ये निकाल लिया है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो अब हम अपने इस चिकन को खोल कर देख लेंगे। और ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें अपना ये सामान ऐड कर देंगे, जैसे ही हमने पहले काजू और प्याज का पेस्ट लिया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए इतनी टेस्ट की खुशबू आ रही है अभी से ही, अभी तो ये बना भी नहीं है और बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। अब हम इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही हल्की आंच पर रोस्ट करने देंगे। तो ये अमान को भूख लगी थी तो अमान खुद से ही अपनी मैगी बना रहा है। अमान क्या बना रहे हो? मैगी। ये देखिए हमारा चिकन चंगेजी, देगी चिकन चंगेजी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टी होगा। हम आपको इसे निकाल के भी दिखाते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारा चिकन देगी चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह देखने भी इतना अच्छा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी है। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।